चलिए बच्चों लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके पहले पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सिंपली इन तक एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू कब होता है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई वेरी स्मॉल। अदरवाइज फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू आर बाई टू कॉस आई, कॉस आई व्हेन एंगल आई वेरी स्मॉल देन cos i equal to 1, that's why f equal to r by 2। यहाँ क्या है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्फेरिकल मिरर, इसके आपने कुछ रूल टेंथ पढ़ रखे हैं, दो तीन रूल होता है, हैं? इमेज क्या, पहली बात क्या है, इमेज क्या बनती है, उसके लिए कम से कम आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिनिमम टू रे ऑफ लाइट शुड बी इंटरसेक्ट और मीट विद ईच अदर। ओके ना, मीन्स क्या हो गया नंबर वन और क्या हो गया फार हो गया, पहले क्या हो गया यहाँ हो गया रूल फार। क्या रूल है भाई, कैसे बनाएंगे रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बहुत तेज लिखिए फटाफट इसको। नंबर वन क्या हो जाएगा, नंबर वन क्या हो गया, क्या हो जाएगा रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। पहला पॉइंट क्या हो गया, व्हेन एट लीस्ट टू रेज ऑफ लाइट मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक ना, क्या हो गया कि कम से कम इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे का मिलना जरूरी है। अब चाहे वो वर्चुअली मीट करें चाहे रियली मीट करें, अगर रियली मीट करेंगे तो वहां क्या बनता है, तो वहां बनेगा रियल इमेज। अगर वर्चुअली मीट करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा वर्चुअल। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ वर्चुअली है ना, तो दो रे कम से कम रिफ्लेक्शन के बाद मिलना, ध्यान रखिए रिफ्लेक्शन के पहले नहीं। कभी भी होता लाइन आप रे अभी बनाइए तो इंसिडेंट वाली मिल जाती है, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन के बाद कम से कम दो लाइन का मिलना जरूरी है। भाई बहुत सारी लाइट जा रही है ना, हमको दो रे आप ले लिया तो इसे क्या होते हैं तो इमेज आपकी फॉर्म हो जाती है। अगला क्या है, सेकंड रूल, द लाइट रेज व्हिच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट आर अपीयर टू इंटरसेक्ट एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, लाइट का भी पढ़ चुके हैं इसको, अगर जो चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकल पॉइंट पर ही मिलती है। ठीक, तीसरा क्या है, द लाइट रेज पासेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस दियर पाथ, जिस पास से जाएगी उसी पास से लौट आएगी। हर तक क्यों ऐसा होता है भाई, रूल क्या है, कौन सा रूल है, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट ना। आप जानते हो कि जब किसी भी मिरर पर अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट जिस पास से गई उसी पास से लौट आती है। क्यों, नॉर्मल इंसिडेंट होने पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, जीरो, दैट्स व्हाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो जीरो। ठीक है, तीन नियम नंबर दो हो गया, तीन हो गया भाई इसका से नियम चौथा, चार रूल है बस, चौथा नियम क्या है, चौथा क्या है, अगर कोई लाइट कहां पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, नंबर फोर, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेज। ठीक है, पासेज फ्रॉम क्या हो गया, पासेज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे। ठीक है ना, क्या होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, क्या होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, क्लियर होगा, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस पे क्या है, देयर आर फोर रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, समझ में क्या हो जाएगा भाई, अगला भाई समझ में क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज द कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ये पोल हो गया, पी हो गया, पोल कितना पी हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गई, लाइट जा रही फोकल पॉइंट से निकलेगी पैरेलल आ रही इस पास से। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं अभी, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया,
लाइट रे कहां जाएगी, लाइट रे आएगी फोकल पॉइंट से, लाइट रे क्या होगी, अगर लाइट रे जा रही है फोकल पॉइंट से तो क्या हो जाएगी, तो लाइट रे हमारी क्या होती है वो पैरेलल निकल जाएगी, मीन्स क्या आ गया, अगर फोकल पॉइंट से जा रही ना, देखो फोकल पॉइंट कहीं यहां होगा, कहीं वाले फोकल पॉइंट है, लाइट पे इसका साइज का लाइट यो आ रही है ना फोकल पॉइंट पे आएगी, इसकी पैरेलल निकल गई, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है, तो ये हमारा हो गया फोर रूल है, कौन सा रूल कहाँ लगाना, जैसे होना उसी अनुसार लगा देना है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखिए जैसे होता है कि कान के उस पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कान के मिरर, उसके लिए सिक्स कंडीशन है, छह कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है, दो कंडीशन किसके लिए होता है कॉन्वेक्स के लिए, वो भी याद होंगे कब कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है, होता क्या है केवल एक बार देख लिया है तब क्या कोई एग्जाम पूछ लिया गया, कोई पर्टिकुलर कंडीशन पूछ ली गई तो वहां बनाना मुश्किल हो जाता है, क्लियर है कि कब कौन सी कंडीशन कहाँ बनती है, क्यों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे दिया, कोई व्यक्ति सपोज दैट है इफ एनी पर्सन इज मूविंग इन फ्रंट ऑफ कान के मिरर देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ क्या, व्हाट द स्पीड ऑफ इमेज इन डिफरेंट सिचुएशन, जिसमें क्या हो गया, जिसमें जो पर्सन है वो इन्फिनिटी से कहां का फोकल पॉइंट पास आएगा, ठीक है सर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पास आएगा, या जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल पॉइंट पास जाएगा, या फोकल पॉइंट से पोल पास जाएगा, तो उसकी क्या होगी, उसकी स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ क्या हो गया ऑब्जेक्ट या पर्सन, सब अलग अलग होगा, ठीक है, तो वहां अगर हमें क्या अगर वहां हमको हर कंडीशन पर लोकेशन पता है इमेज की कब कहाँ कैसे बनती है, इन चीज को हम डिफाइन कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं कंसेप्चुअल, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ओके ना, तो इसके बाद क्या हमारा हो गया, यहाँ ये हो गया कि भाई ठीक कर लो, यहाँ हमने फोकस लिख दिया था, तो यहाँ गया लाइट रेज पैरेलल जो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको सही कर लीजिए, ओके ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई क्या हो गया, बाई कान के मिरर, यहाँ पर इमेज बना लेना है और उसके इमेज की कंडीशन बस हो जाए, नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, फटाफट बनाइए, जिससे क्या होगी एक बार रिवाइज हो जाए, जिससे आगे न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है, ऐसा में और मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाने हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कान के मिरर, इसमें डिफरेंट कंडीशन है, जैसे कौन कंडीशन बाई होगी, कंडीशन वाले बारा जैसे कान के मिरर, ये हो गया कान के मिरर, हो गया कान के मिरर, ठीक है, रे डायग्राम सही बनना चाहिए, दिस मान लीजिए क्या हो गया पोल, यहाँ कहीं क्या हो गया फोकल पॉइंट, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखिए कंडीशन क्या, पहले हो गया इंफाइनाइट, नंबर टू क्या हो गया नियर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा क्या हो गया एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या हो गया फोकल पॉइंट, अगला एट फोकल पॉइंट, नेक्स्ट बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल ऑफ मिरर, क्लियर, ये हमारी कंडीशन हो गई, तो ध्यान देना है नंबर वन क्या हो गया, नंबर वन हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट क्या हो गया एट इनफाइनाइट, लाइट कहां से आएगी हमारी, लाइट हमारी इन्फिनिटी से आएगी, तो देखिए कैसे इमेज बनेगी, देखते हैं इसको, ओके, क्या भाई अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे हो गई, इन दैट केस क्या हो गया, लाइट कहां कट किया फोकल पॉइंट पे, नेचर इमेज क्या हो जाएगा रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कट क्या हो गया इन्वर्टेड इमेज, और अगला क्या हो गया एट फोकल पॉइंट, अगला क्या हो गया डिमिनिश साइज ऑफ इमेज, जैसे क्या मैग्निफिकेशन क्या हो गया जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा बात करते हैं मैग्निफिकेशन क्या हो गया, अगर बात करते हैं मैग्निफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कितना हो गया निगलेक्टेड रहेगा, लगभग निगलेक्टेड, ठीक है ना, बहुत कम रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है भाई, ऐसे में तेमरा नेचर ऑफ क्या हो गया इमेज हो गया, क्लियर हो गया, चलिए सेकंड कर लेते हैं, सेकंड हो गया अगर बियॉन्ड टू सी रहे, मिटाएं इसको, हो गया ना क्लियर, नेक्स्ट बियॉन्ड सी थोड़ा दूर बियॉन्ड टू सी रहेगा, तब क्या हो जाए देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड टू सी, सी थोड़ा दूर है तो कहां बन रहा, देखिए लाइट इज आ रही पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, कहां टच किया फोकल पॉइंट से, दूसरे की फोकल पॉइंट से कहां गई पैरेलल हो जाएगी, इसको आप क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी मैं वही सेम बनेगी आएगा, ठीक है, अब नेचर क्या हो जाएगा, पहले बात क्या हो गया रियल इमेज हो गया, नंबर वन सही है, दूसरा इन फ्रंट ऑफ मिरर ये भी सही है, तीसरा क्या है इन्वर्टेड है ये भी ठीक भाई, चौथा क्या है, अब यहाँ क्या हो गया बिटवीन
फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, बिटवीन, हो गया नंबर तीन बिटवीन, क्या हो गया भाई, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया नंबर पांच, क्या हो गया साइज, क्या हो गई है, क्या हो गया आपका नंबर पांच क्या हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा स्मॉलर साइज आप, क्या हो गया साइज ऑफ इमेज, क्या हो गया स्मॉलर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। एंड लास्ट किया मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, इसलिए हो गया एम होता है लग्जर वन, इसमें क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर होता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स यार लेंथ ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या लाइन बढ़ना है, लेकिन मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तीन टाइप होता है, लीनियर सुपरफिशियल जिसमें एरिया बढ़े, वॉल्यूमेट्रिक जिसमें क्या है जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, क्या हो गया दिस इज द मैग्निफिकेशन एम लेस देन, ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय क्या हो गया, ये हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू सी, चलिए नेक्स्ट केस के अगला, अब कहां है सी पे आ जाए तब क्या बनेगा, चलो सी देखते हैं, अगला क्या हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, हमने सी रखा, देखो ए कैमरा यही ऑब्जेक्ट हो गया, यही पॉइंट सी भी है, यही पॉइंट सी है, लाइट ये चली गई से कहां, देखो इमेज कहां बन रही है सी पर बनेगी, ओ डैश का ऑब्जेक्ट हो गया, आई आई डैश क्या हो गया इमेज हो गया, ठीक है, लाइट एक जा रही कहां से पैरेलल प्रिंसिपल से आई फोकस से, दूसरा प्रिंसिपल फोकस जा रही है तो प्रिंसिपल ऐसे इसके पैरेलल आएगी यहां कट कर देगी, ठीक है, नेचर इमेज क्या हो जाएगा सेम, देखो क्या हो गया रियल इमेज, नो डाउट क्या रियल इमेज पीछे में रियल इमेज आई नोटेड होती है, रियल हो गया, इन फ्रंट ऑफ कान के मिरर ये भी ठीक है, इन्वर्टेड इमेज ये भी ठीक है, बिटवीन क्या अब क्या है कहां बन रही है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, क्या बन रहा है नंबर फोर पॉइंट क्या हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया एट सेंटर ऑफ क्या हो गया कर्वेचर बनेगा, अगला क्या हो गया साइज ऑफ इमेज इक्वल टू, यहां क्या हो गया ये हो गया इक्वल टू, इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां एम कितना हो जाएगा, यहां मैग्निफिकेशन कितना हो गया इक्वल टू वन, क्योंकि क्या लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ओके, अगला क्या हो गया सी और एफ के बीच में उसको देखते हैं, ठीक है ना, तो नेक्स्ट कंडीशन हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, तब क्या है एक लेयर में कहां जाएगी रीअप्लाइड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो कहां कट करेगी फोकल पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी स्क्वायर से, दूसरी जा रही फोकल पॉइंट से पैरेलल टू कहां आएगी ये आ जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी ना, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई तो उस कंडीशन पर हमें क्या इमेज इमेज बनेगा कहां मिल जाएगा इमेज मिल गया स्क्वायर से आई आई डैश स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक ये हमारा मिरर हो गया ना, अब क्या पोजिशन ऑफ क्या नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा सेम, अगला क्या हो गया रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज, अब क्या बन रहा है अब यहां बनेगा बियॉन्ड सेंटर नंबर चार, क्या नंबर चार हो गया बियॉन्ड हो गया तो ठीक है, नंबर चार हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगला क्या है साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो गया ग्रेटर हो गया ग्रेटर ग्रेटर हो गया, ठीक है ग्रेटर देन क्या हो गया ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई एम कितना हो गया मोर देन वन, एम कितना हो गया मोर देन वन मींस क्या मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गई एक से बड़ी हो गई, ठीक है पहली कंडीशन हो गई, अगला कहां पहुंचेंगे हम अब पहुंचेंगे फोकल पॉइंट पर, कहां पहुंचेंगे फोकल पॉइंट, ओके, तो नेक्स्ट केस हमारा क्या हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट एफ, क्या देखो रे कहां जा रही है एक रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा जा रही सेंटर कर्वेचर से जाके पीछे में जाएगा पीछे देखो मालिक क्या है रिफ्लेक्ट हो रही है तो रे इन्फिनिटी बनेगा, अगर वर्टिकल मान लें तो भी बनेगा इन्फिनिटी बनेगी,
जो पॉसिबिलिटी है, लेकिन चूंकि अभी चल रहा है रियल वाला केस, रियल ही मान लेते हैं, तो रियल में बन जाएगा इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, इन्वर्टेड बनेगा और क्या बन गया, हो गया वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्या हो गया एक इंफिनाइट, कहां जा बनेगा ये नंबर चार पॉइंट हो गया साइड क्या हो गया एक इनफाइनाइट, ठीक है, और साइज ऑफ इमेज वेरी 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 लार्ज, ये क्या वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है ग्रेटर भाई, चलो भाई ग्रेटर हो गया ग्रेटेस्ट कर, तो इमेज वेरी लार्ज क्या हो गया साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एम क्या होता है एम वेरी वेरी लार्ज, एम कितना होता है मैग में पा गया बहुत बड़ा हो जाएगा एक से, ठीक है तेमरा नेचर ऑफ इमेज हो गया इन दिस कंडीशन। लास्ट क्या है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस, अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पॉइंट एफ एंड पी, ठीक है पोल ऑफ मिरर के बीच में, तब क्या हो, देखिए तो नेक्स्ट क्या हमारा हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, फोकल पॉइंट हो गया पी हो गया, रखिए भाई यहाँ पे एक रेस ले जाएगी, फिर क्या दूसरी लेजर सेंटर कर दीजिए जब पीछे इमेज बन जाएगी, नेचर क्या हो जाएगा आपके नेचर साथ चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है ना, तो नेक्स्ट वहां क्या हो गया व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, लाइट यहाँ जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं लाइट नहीं मिलेगी पीछे बढ़ाना पड़ेगा, पीछे बढ़ाया क्योंकि वर्चुअली मीट कर रही है, जैसे क्या हो गया, क्या हो गया वर्चुअल इमेज बनेगा इरेक्ट हो गया बिहाइंड द कॉन्केव मिरर हो गया, फिर साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो गया एंड मैग्नीफाइड पावर या मैग्निफिकेशन मोर देन, लेकिन दिस डिपेंड्स ऑन हमारे पावर कंडीशन, जैसे जैसे आगे क्या हो गया फोकल पॉइंट से आगे बढ़ेगा इमेज की ऑब्जेक्ट छोटी भी होती जाती जा रही है, क्योंकि यहाँ क्या था इन्फिनिटी थी इमेज, क्या इमेज इन्फिनिटी से इसके पास आ रही जा रखी है, फोकल पॉइंट बढ़ रहा है ना इसके पास आ रही इमेज, ये ध्यान रखना इस पर, ठीक है ओके। नेक्स्ट है की फॉर्मेशन आप इमेज भाई कॉन्वेक्स मिरर देखिए, तो कॉन्वेक्स भाई क्या हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट पहले चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, दैट्स व्हाई प्रिंसिपल फोकस पर बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, इसलिए क्या हो गया नेचर इमेज क्या हो जाएगा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा बिहाइंड टू कॉन्वेक्स मिरर हो गया, डिमिनिश साइज बहुत छोटा और इनसे पॉइंट साइज में बनेगा, नेक्स्ट क्या हो गया मैग्निफिकेशन वेरी वेरी स्मॉल देन वन, वेरी वेरी स्मॉल क्या हो गया वन हो जाएगा, ठीक है ना ओके। तो हो गया फॉर्मेशन इमेज भाई क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर केस फर्स्ट, केस सेकंड क्या हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस नियर टू, केस सेकंड नियर टू कॉन्वेक्स मिरर, नोट कर लीजिए फटाफट क्लिक, लास्ट हो गया लास्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस नियर टू कॉन्वेक्स मिरर आर से बियॉन्ड टू पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देन लाइट देखो चलेगी पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाएगी फोकल पॉइंट से, दूसरी जा रही कैसे फ्रॉम द सेंटर कर्वेचर, जा सीधे देखो यहां लौट आएगी अंदर नहीं जा पाएगी ना क्योंकि मिरर है, नेचर इमेज क्या होगा देखिए, हाँ देखो पिछले में जो पिछला भी बताया इसके पहले वहां पोजिशन इमेज क्या थी एट फोकल पॉइंट लिखना भूल गए थे, नोट कर लीजिए पिछले वाले में, ठीक है हाँ तो इसमें क्या हो गया नंबर वर्चुअल नहीं बनेगी सही है इरेक्ट बनेगी सीधी मिरर ये भी सही है बिहाइंड टू कॉन्वेक्स मिरर वो भी ठीक है, ठीक है अब की साइज क्या है साइज हो गई स्मॉल, साइज क्या हो गया है साइज ऑफ इमेज क्या हो गया साइज ऑफ इमेज क्या हो गया इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड मैग्निफिक कितना हो गया मैग्निफिक लेस देन वन हो जाएगा, और क्या बन रहा है बिटवीन फोकल पॉइंट, क्या बन रहा है बिटवीन फोकल पॉइंट बिटवीन, ठीक है ये बन रहा है बिटवीन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ क्या हो गया मिरर, दीज आर ऑल द कंडीशंस इन व्हिच इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, तो चीज आपको एक वन बाय वन याद करना है,
अब एक कंडीशन सोचते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, समझते हैं कि समझा लिखवाएंगे, लिखवाएंगे नहीं समझा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोट डाउन, तब लिखवा बोलते हैं भाई। देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी हमारा ठीक है, मान ले कोई भी ऑब्जेक्ट कान के मिरर है, कान पे मिरर है, मान ले कान के मिरर के सामने मूव कर रहा है, कि सामने मूव कर रहा है, ठीक है। उस कंडीशन पे उसकी स्पीड डिफरेंट पोजिशन पे क्या होगी। चलो भाई मान ले क्या मिरर हो गया, यहाँ सी हो, यहाँ क्या हो गया एफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया सी हो गया। कोई पर्सन है चल रहा है इधर से, यहाँ कोई पर्सन है जो कि मूव कर रहा है, पर्सन कोई हो गया भाई, ठीक है। ये पर्सन क्या है मूव कर रहा है इधर, तो मूव कर क्या उसके क्या बताना है, देखिए ध्यान रखिए। जिस समय पर्सन क्या बियॉन्ड टू सी रहेगा, सी से दूर जाए, जब इन्फिनिटी पे है इमेज क्या बनी फोकल पॉइंट पे, जैसे जैसे इधर आएगा वैसे इमेज क्या होगी फोकल पॉइंट से इधर निकले गुजरी, जब पहुंचेगा सी पर इमेज क्या बनेगी सी पे, सोचिए। तो इन्फिनिटी से